भाई साहब ने थोड़ी शॉप करी, फिर मैंने देखो हमने खाया बहुत सारा खाना। तुम पहले बोलो। जो लोग करी बनाती को देखते होंगे उनको ये डायलॉग याद होगा, कैसे हैं। मेरा नाम है साक्षात, आज का ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं आउटलेट मॉल, तो ये एक नया डेस्टिनेशन है। सुनने में आया है कि आउटलेट मॉल में सारे ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। दुबई में चीज़ें ढूंढने का थोड़ा देखते रहते हैं, कुछ नई चीज़ मिलती है तो। ये हमारा पीछे दोस्त है, पीछे इशारे कर रहे हैं परवीन, जिसने आपको जो आप देखते होंगे पुराने ब्लॉग में। तो मैंने कहा भाई आज तू छोड़, हम बनाएंगे ब्लॉग, ठीक है। ये हमारा सबसे बिजी आदमी है, ये आज फ्री हुआ है, शॉपिंग करनी है इसको, बट लेके जा रहे हैं हम सब, ठीक है। देखते हैं हम क्या क्या खरीदते हैं। नया रूट है, नया सब कुछ है। हम आपको बाहर का नज़ारा दिखा दें ज़रा एक बारी कि कैसा रूट है और क्या है। आपको करते रहेंगे हम अपडेट कि क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं और मॉल कैसा है, जगह कैसी है। मॉल है आउटलेट मॉल, वो जगह है अल इन रोड, अल इन रोड पे आउटलेट, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर। आउटलेट मॉल टैक्सी से, तो टैक्सी का खर्चा है हमारा 67 दिरहम इंटरनेट सिटी से। ये रहा आउटलेट मॉल, सुनने में सारे बड़े ब्रांड यहीं से जाते हैं, यहीं से होता है। ब्रदर भाई एंट्री यहाँ से। ये आउटलेट मॉल के एंट्रेंस, और जब हम घुसे अंदर पहला शोरूम है एडिडास का, और इस पे 50% ऑफ, और ये लग रही लाइन। एडिडास के शोरूम में अंदर जाने के लिए लाइन लगी पड़ी है। टॉमी, स्टारबक्स, देखते हैं और कौन कौन से ब्रांड है यहाँ पे और कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये हमारे भाई साहब यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, और काय की चश्मा। रवीन शर्मा चश्मा, बेटे बेटे मौज कर दी बेटे। जूता दिखाया हमें यहाँ पे, ब्रांडेड है, ऐसा नहीं है ये लोकल है। भाई प्रवीण भाई इसका प्राइस बताना जरा। भाई होगा 400 दिरहम तक। अच्छा रोहित भाई इसका प्राइस बताना जरा कितने का होगा। कितना? 800 दिरहम। ये 400 दिरहम बोल रहा है, ये बंदा 800 दिरहम बोल रहा है। इस जूते का एक्चुअल प्राइस है 4000 दिरहम, और डिस्काउंट के बाद मिल रहा है 2000 दिरहम का। तो आप इंडियन मनी में कैलकुलेट कर लो भाई साहब, 1800 दिरहम का। हाँ तो 80,000 का जूता 36,000 में मिलेगा, ठीक है भाई। बट भाई शूज है यार गजब। हमारे कोहली भाई शॉपिंग करते हुए आज भाई ने कम से कम भी एक घंटा तो हो गया होगा यहाँ पे, एक घंटे से सिर्फ ये टी शर्ट छांटे में लगा हुआ है और अपना साइज ढूंढ रहा है। सिर्फ इसने की तो दो टी शर्टों के साथ एक फ्री मिल जाए। तो अभी हमारी रिसर्च जारी है, देखते हैं क्या क्या फाइनल खरीदते हैं। ये हमारे कोहली भाई लाइन में लगे हुए हैं। कोहली Everything they brought me alive.
सी द बर्गर किंग, KFC, मैकडी, क्या लाए हो भाई कोहली? यार कोहली भाई हमें दुबई में रह के भी मोमोज खिलवा रहा है। तो भाई साहब हमने थोड़ी शॉपिंग करी, फिर हमें लगी भूख, हमने खाया बहुत सारा खाना, अलग अलग चीज़ें थी, आपको फोटोज़ में देखने को मिलेगा क्या क्या खाया हमने। टाइम बहुत है हमारे पास, छुट्टी आज, और हम कुछ और शॉपिंग करेंगे, आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं। अभी व्यू दिखा भाई साहब, रुक जाओ, और यहाँ पे एक मिनट, आप पीछे देख सकते हैं, कहाँ तक मॉल ही मॉल है, बहुत बड़ा। उसके बाद एक रास्ता यहाँ पे जाएगा। अभी हमने मैप देखा था कि हमको कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। मैप देखने के बाद ही हमको पता चला कि हाँ भाई ये रास्ता है, यहाँ जाया जाए और यहाँ से कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं, आपको करेंगे अपडेट धीरे धीरे। चलो मिलते हैं। तो यार हमने शॉपिंग कर ली है, मॉल से बाहर आ चुके हैं। हमारा कोहली भाई आज बहुत थक गया है, तो मैंने टेक ओवर कर लिया। कोहली भाई, कोहली कहाँ है? कोहली कोहली भाई साथ ही खड़ा हूँ। तो ये रहा कोहली। कोहली थक गया भाई साहब, बहुत थक गया भाई, बहुत ज्यादा। हमने कितनी शॉपिंग करी कोहली भाई आज? भाई शॉपिंग तो थोड़ी बहुत करी है, मगर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था आज। आज मजा आया। हम बहुत दूर आए थे शॉपिंग करने के लिए, बट यार अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। ये हमारा भाई यहाँ शॉपिंग के बाद ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। तो हम अभी यार टैक्सी का वेट कर रहे हैं, टैक्सी लेके हम अब रूम पे चलेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग ऐसी नॉर्मल है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे पक्का, कुछ अच्छा दिखाएंगे उसमें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। रोहित भाई दिन कैसा रहा आज का? बता दे कुछ लफ्ज़ तो उनके लफ्ज़ तो बता भाई कैसे कटा हमारा आज? बता दे आप बताओ। मतलब इस बंदे ने इतना कटवा दिया हमारा कि यहाँ चलो वहाँ चलो, टच्चा घर टच्चा, हम सो रहे थे और साला कह रहा है यहाँ चलो वहाँ चलो, मेरी छुट्टी आज आ चुके हैं। आपको मेरे कपड़े से पता चल रहा होगा कि भैया मैं बैठा हूँ घर पे। आज का ब्लॉग तो वैसे अच्छा बना था क्योंकि ब्लॉगर अच्छा था, डेस्टिनेशन गलत थी। ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन ना ले, अगला ब्लॉग मैं ही बनाऊंगा और डेस्टिनेशन होगी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बारी मेरे साथ ही। ओके, बाय बाय।